रेवाड़ी के ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने आईआईटी एडवांस में अपना परचम लहराया है। विकल्प नाम की संस्था में पढ़ाई करने वाले 18 में से 15 छात्रों का आईआईटी में चयन हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सभी बच्चे आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, इसके बावजूद पढ़ाई में इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। तो रेवाड़ी के विकल्प की हम बात कर रहे हैं। विकल्प एक इंस्टीट्यूट है जिसमें से 18 में से 15 बच्चे आईआईटी के लिए चयनित हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हों तो राह आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है इन छात्रों ने। रेवाड़ी जिला प्रशासन के सहयोग से बाल भवन में संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्था विकल्प के 18 में से 15 छात्रों ने आईआईटी एडवांस में चयनित होकर सभी को चौंका दिया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई बच्चे तो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर होना इनकी सफलता की राह में रोड़ा नहीं बना। अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते इन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। इस सफलता के बाद छात्र संस्था और प्रशासन की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हमारे रेवाड़ी में भी एक सुविधा है कि विकल्प नाम से एक संस्था है और पिछले साल से वो काम कर रही है। तो मैंने एक दिन क्लास ज्वाइन की तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और मैंने सोचा कि अब तो पढ़ूंगा तो यहीं पढ़ूंगा, मेरे पास एक साल है, मुझे यहीं पे एफर्ट डालना पड़ेगा। तो मैं वहीं पे पढ़ा। मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि ज़्यादा रुपए नहीं थे हमारे पास, लेकिन फिर मेरे घर वालों ने यहाँ विकल्प के बारे में सुना और मुझे यहाँ पे एडमिशन करवा दिया। और यहाँ पे फिर नवीन सर ने हमें काफ़ी सहयोग दिया, काफ़ी हमारी मदद की, वो हमारे साथ ही रहते थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। ये जब हमें पता चला किसी न्यूज़पेपर के जरिए तो हम यहाँ पहुँचे और हमें लगा कि भाई हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी क्योंकि हम बाहर बच्चे को भेज नहीं सकते थे, तो हमारे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी और हमने ये डिसीजन लिया कि भाई लास्ट चांस है भले ही, पर हम इसमें जरूर अपने बच्चे को डालेंगे और सफलता भी मिली। वहीं छात्रों की सफलता से गदगद जिला प्रशासन आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की कोशिश में है। हमारे जो आईआईटी एडवांस था इसमें इंस्टीट्यूट से लगभग 18 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 15 बच्चों का अब की बार आईआईटी में हमारा सिलेक्शन हुआ है और ये एक सफलता की पहला कदम है और मेरी ये आशा है कि आने वाले समय में हम इससे और अधिक सफलताएं देखेंगे और रेवाड़ी को भी एक तरह से हमारा यही सपना है कि एक एजुकेशन हब के तौर पर हम विकसित करें और जो यहाँ से बच्चे हैं वो यहाँ से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं। दरअसल विकल्प संस्था बिहार के मधुबनी निवासी नवीन मिश्रा की ही सोच है। उन्होंने इसे गरीब बच्चों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया। आईआईटी दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवीन पहले दिल्ली की कंपनी में काम करते थे। नवीन मिश्रा का कहना है कि उन्होंने एमएनसी कंपनी में जॉब की, लेकिन जॉब छोड़कर वो रेवाड़ी आए और उन्होंने आर्थिक तौर पर पिछड़े बच्चों को मुफ्त कोचिंग देनी शुरू की। क्यों ना सैटरडे संडे को अपना टाइम मूवी वगैरह देखने के बदले कुछ लगाया जाए समाज के भलाई के लिए, और हमारी एक्सपर्टाइज था स्कूल में, हमें कुछ दोस्त मिले और आपस में डिस्कशन किया कि चलो चलते हैं रूरल एरिया में जा करके। वो बच्चे जिनकी बहुत टैलेंट होता है लेकिन वो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से या दूर ना जाने के वजह से वो नहीं कर पाते हैं, उन टैलेंट को पकड़ करके उनके पोटेंशियल को हम कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करें, उनको उनसे आईआईटी पीएमटी में ही दाखिला ना दिलवाए, उनको साइंस के प्रति एक जागरूकता लाएं। इन बच्चों ने आईआईटी एडवांस की परीक्षा में सफलता हासिल कर ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा पैसे की मोहताज नहीं होती। रेवाड़ी से पवन वर्मा, फोकस हरियाणा।